बहुत पैसा है मेरे पास, काफी पैसा है, भगवान की फुल दया है मेरे पास। अरे अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हो, इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो? मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए ना उसकी खुशी मना रहा हूँ। आप तो बहुत ही अमीर हो। पैसा तो बहुत है मेरे पास, बहुत अमीर हूँ मैं, पर क्या करूँ, प्यार की कमी है मेरे पास। प्यार की कमी मतलब? मतलब तू यहाँ रेड लाइट पे खड़ी थी ना, तो तुझे दिखाने के लिए मैं पैसा उड़ा रहा था। मैंने सोचा अगर तेरे सामने पैसा उड़ाऊंगा तो तेरा ध्यान मेरी तरफ तो आएगा ही ना। अंकल जी, आप कैसे बात कर रहे हो मुझसे, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। प्यार ना उम्र नहीं देखता, अगर तू मुझे प्यार दे सकती है ना, तो उसके बदले में मैं तुझे बेशुमार प्यार और बेशुमार पैसा दे सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है अंकल जी, लेकिन उसके लिए ना आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। मुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए, दे दोगे आप? ठीक है दे दूंगा पूरे 20 लाख, पर तुझे भी ना मुझे पूरे 20 लाख जितनी खुशी देनी होगी। ठीक है वो आपको मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। ठीक है राजा, गाड़ी में बैठ जा। चल रहे हो जल्दी चलो। अब बताओ ये गाड़ी में शुरू करें या फिर किसी होटल में चले? क्या मतलब? अरे क्यों नादान बन रही हो, मुझे पता है तुम सब समझ रही हो। बस मेरे ना 2-3 सवाल है, उसके जवाब दे दीजिए फिर चलेंगे। हाँ हाँ पूछो। आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? 2 नंबर का काम है मेरा। मतलब? अरे छोड़ ना, गैर कानूनी काम है मेरा, महीने का 40-50 लाख आ जाता है। अरे वाह, फिर तो आप सरकार को अच्छा खासा टैक्स पे करते होगे। ओ हेलो, मैं कोई टैक्स वैसे नहीं देता। अरे 2 नंबर का काम है मेरा, गैर कानूनी, पूरा ना कैश में काम चलता है। अब तुझे इससे क्या लेना, मैं तो पूरी ऐश करता हूँ। तू छोड़, तुझे जितना पैसा चाहिए होगा ना उतना दे दूंगा, और तू ना मुझे बस खुशियाँ देती चल। चल तुझे मैं 5-स्टार होटल लेके चलता हूँ। चलते अंकल, बस एक कॉल करना मुझे। हेलो, कितनी देर में पहुंच रहा हूँ मेरी लोकेशन पर? जल्दी आओ और इसे अभी के अभी अरेस्ट कर लो। बाहर निकल, बाहर निकल। अरे पुलिस कहाँ से आ गई? हाय, आई एम माधवी वर्मा फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या मैडम आप? हाँ मैं, और पुलिस ना तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी का पैसा है, और तुम पैसे को शो ऑफ करके ना लड़कियों को खरीदते हो और उन्हें मिसयूज करते हो, और सरकार को बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते हो। पुलिस तुम्हें कब से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम हाथ ही नहीं आ रहे थे, इसलिए पुलिस की टीम ने हमें अप्रोच किया और हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया और तुम्हारे साथ ही स्टिंग ऑपरेशन किया। मैं अच्छे से जानती थी कि मुझे देखकर तुम ये हरकत जरूर करोगे, और देखो आज तुम हमारे जाल में फंसी गए। और वैसे भी मिस्टर, गाड़ी में तुमने जितना कुछ भी मुझे बताया ना कि कैसे तुम ब्लैक मनी का पैसा कमाते हो, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमारे पास पक्के सबूत है तुम्हारे खिलाफ। यही कार में शुरू करें या फिर किसी होटल में चलें? क्या बोल, मतलब जैसे मैंने बोला ना, 2 नंबर का काम है मेरा, गैर कानूनी, महीने का 40-50 लाख आ जाता है मेरे पास। तो मिस्टर, अब जितना भी ब्लैक मनी का पैसा तुमने कमाया है ना, और लड़कियों को पैसे शो ऑफ करके जो तुमने खरीदने की कोशिश की है, और सरकार को टैक्स पे नहीं किया है, कि सारे के सारे जुर्म में तुम बहुत लंबी सजा काटने वाले हो जेल में। अब जेल में बैठ के चक्की पीसना, समझे? ले जाओ इसे। बहुत शौक है ना तुझे गैर कानूनी काम करने का और लड़कियों को पैसे दे के खरीदने का। चल बेटा पुलिस स्टेशन, तुझे तो हम बताते हैं कि गैर कानूनी काम कैसे किए जाते हैं। चल सर, सर साहब छोड़ दो मुझे साहब। दोस्तों, आप चाहे जितने भी गैर कानूनी काम करके जितने मर्जी पैसे कमा लो, सरकार एक ना एक दिन आपको पकड़ ही लेगी। इसलिए बेहतर है कि ईमानदारी से पैसे कमाएं और सरकार को इनकम टैक्स पे करते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।